13.1.1 गोली दर्पण से जुड़ी कुछ प्रमुख परिभाषाएं। गोली दर्पण के परावर्तक सतह का केंद्र ध्रुव पोल कहलाता है। वह इसे पी अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। यह वक्री गोले की सतह पर स्थित होता है। जैसा कि आप जानते हैं, गोली दर्पण की परावर्तक सतह एक गोले का भाग है, इसलिए गोले का केंद्र वक्रीय दर्पण का वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। इसे सी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह दर्पण का भाग नहीं होता है। गोली दर्पण जिस गोले से बना हो, उस गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। इसे आर द्वारा दर्शाया जाता है। यह ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी होती है। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष मेन एक्सिस कहलाती है। यह ध्रुव पर अभिलंब होती है। गोली दर्पणों से संबंधित एक अन्य पद मुख्य फोकस मेन फोकस कहलाता है। इसके बारे में जानने के लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। क्रियाकलाप 2। एक अवतल दर्पण लीजिए और उसके परावर्तक पृष्ठ को सूर्य की ओर रखिए। दर्पण सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करेगा और इस परावर्तित प्रकाश को हम एक कागज पर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। जब तक कागज पर प्रकाश का एक चमकदार तीक्ष्ण बिंब नहीं प्राप्त हो जाता, कागज को आगे पीछे धीरे धीरे खिसकाएं। आप यदि कागज तथा दर्पण को इसी स्थिति में कुछ मिनट रखते हैं तो क्या होता है? वास्तव में कागज पर बनने वाला यह चमकीला बिंदु सूर्य का प्रतिबिंब है, जिसे हम कागज अर्थात पर्दे पर प्राप्त कर रहे हैं। यह प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज है। वह बिंदु जिस पर हमें सूर्य का सबसे अधिक तीक्ष्ण प्रतिबिंब प्राप्त होता है, अवतल दर्पण का फोकस बिंदु फोकल पॉइंट कहलाता है। गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से होकर जाती हैं अवतल दर्पण में, अथवा आती हुई प्रतीत होती हैं उत्तल दर्पण में। यह बिंदु ही गोली दर्पण का मुख्य फोकस होता है, जिसे F द्वारा दर्शाया जाता है। गोली दर्पण के ध्रुव P तथा F के बीच की दूरी फोकस दूरी F फोकल लेंथ कहलाती है। गोली दर्पण के वक्री पृष्ठ की एक सीमा रेखा होती है। यह सीमा एक समतल वृत्त होती है। इसी वृत्त के व्यास को दर्पण का द्वारक एपर्चर कहते हैं। चित्र 2 में MM' द्वारक को प्रदर्शित कर रहा है। छोटे द्वारक के गोली दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दोगुनी होती है, अर्थात R बराबर 2F। दूसरे शब्दों में किसी गोली दर्पण का मुख्य फोकस उसके ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु होता है।